हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं। आज इसकी ये पहली क्लास है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम कवर कर लिया है, नंबर सिस्टम में तीन टॉपिक, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल यूनिट कवर कर लिया है, और साथ फिर हमने एलसीएम एचसीएफ कवर किया, उसके बाद हमने स्क्वायर एंड क्यूब कवर किया, और फिर हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कवर हो चुका है, और हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट है जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो ये हमारा पांचवा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शेप्स पढ़ेंगे। शेप्स में जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको देखेंगे, फिर उसके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो दिया गया है, पहला जो हमारा शेप दिया गया है, वो दिया गया है स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है भाई, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि यहाँ चारों भुजाएं हमारी ए दी गई हैं। अब इस ए की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, हम यहाँ पे पांच रख रहे हैं, तो हमारी एक भुजा पांच है, तो वर्ग की चारों ही भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, पांच के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके सभी कॉर्नर जो होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। और एक और डायगोनल की खासियत ये होती है कि ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो था वर्ग के बारे में। तो यही यहाँ पे यही सेम चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री, सभी एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये दूरी चले, ये दूरी चले, ये दूरी चले, वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो टोटल दूरी हमने कितनी कवर की, ए ए ए ए मिलकर 2a, और ये हो गया हमारा 3a, और ये हो गया हमारा 4a, मतलब चार बार हम चारों दिशाओं में हम चले, और हर दिशा की दूरी जो थी वो कितनी थी, ए ए थी। इस हिसाब से मतलब टोटल दूरी हम कितने चले हैं, वही हमारा पेरीमीटर होता है, मतलब परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a। एरिया, एरिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो एरिया हमारा दो तरीके से हो जाएगा, एक तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा गुणे भुजा। दूसरा, अगर भुजाएं हमको नहीं दी गई हैं, विकर्ण दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर। डी क्या है, विकर्ण, और दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 डी स्क्वायर, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। डायगोनल की बात करते हैं, मतलब विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालनी तो हो जाएगी √2a, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द एरिया, पैरामीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर, 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे विकर्ण विकर्ण बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। एक हमारा वर्ग दिया गया है जिसकी साइड इन्होंने 15 सेंटीमीटर नहीं, मीटर देके रखी है, ठीक है, 15 मीटर देके रखी है। अब भाई एक साइड जो है 15 मीटर है, तो इसके वर्ग है तो सारी साइड हमारी 15 मीटर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा ए स्क्वायर,
ठीक है, भुजा स्क्वायर या कह लो ए स्क्वायर, अगर ए हमारी भुजा है तो 15 का स्क्वायर मतलब 225 और मीटर। भाई एक बात और याद रखना, क्षेत्रफल जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो उसमें स्क्वायर लगाया जाता है, जो आयतन होता है उसकी यूनिट में क्यूब लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो मैं सब में स्क्वायर लगा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। उसके बाद इन्होंने कहा है परिमाप, ठीक है, परिमाप निकालो, परिमाप मतलब पेरीमीटर निकालो, तो यह होता है 4a। 4 लिख देंगे, a की वैल्यू 15 है तो 15 चक्कू 60 मीटर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, खाली जो यूनिट दी होती है वही होता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा विकर्ण बताओ, ठीक है, तो विकर्ण हमारा क्या होता है, √2a, √2 लिख देंगे। ठीक है, a है जो है 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 √2 मीटर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वो जो दूध पियो। अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन, जो कि दिया है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक वर्ग का विकर्ण दे के रखा है, विकर्ण मतलब डी जो है वो हमको दे के रखा है 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, जब हमारा क्षेत्रफल निकालना और हमारे पास डायमीटर हो तो 1/2 d² यही तो पढ़ा था, तो 1/2 लिख देंगे, d की वैल्यू हमारी 8 है, 8² का मतलब 8 × 8, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 8, 8 × 32 m², क्षेत्रफल है तो m², तो ए वाला आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8√2 cm, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8√2 cm है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, विकर्ण मतलब डी जो है वो 8√2 दे के रखा है, ठीक है, तो परिमाप बोल रहा है। अगर विकर्ण जो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा विकर्ण होता है वो होता है a√2, ठीक है, और a√2 फॉर्मूले के हिसाब से, और इन्होंने दे के रखा है 8√2। अब √2 से √2 जो है वो हमारा कट गया, a मतलब भुजा की लंबाई 8 आ गई, इन्होंने कहा परिमाप बताओ, ठीक है, पेरीमीटर बताओ, तो परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है वो 4a होता है, मतलब 4 × 8 = 4×8 = 32 मीटर। मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर इन्होंने दिया है तो सेंटीमीटर कर दो, ठीक है, 32 cm हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन्होंने कहा है ए द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 6√2 cm, सो व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 cm है, उस विकर्ण का क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो विकर्ण मतलब a√2 जो है इन्होंने हमको क्या देख रखा है, चाहे तो हम d = लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए ये विकर्ण है, a√2 जो है वो देखे रखा है 6√2, तो √2 से √2 जो है कट गया, तो भुजा जो है वो हमारी क्या आ गई, 6 आ गई, 6 cm। तो इन्होंने कहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, इसका अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप जो होता है 4a होता है, ठीक है, a से a कट गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a/4। अब a की वैल्यू हमारी 6 है और 4 जो है हम लिख देंगे, ठीक है, काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारा 3/2, जिसको हम कह सकते हैं 3:2, हमारा आंसर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पांचवा, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1/9 m², व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स आर्म एंड पेरीमीटर। एक वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/9 m² हो, तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, जो कि दिया गया है 1/9, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, तो उसकी भुजा और परिमाप का अनुपात, भुजा होती है a और परिमाप होता है 4a, a से a कट गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4, तो इसमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्योंकि भुजा हमारी a होती है, परिमाप हमारा ये होता है, तो भुजा यहाँ पे कुछ भी, वो हमारा जो रेशियो है वो हमेशा यही आएगा, 1/4 ही आएगा,
ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग की बात कर रहे हैं, इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर पे हम क्या कर देंगे, इसको हमें हटाना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या एक लाइन का मतलब, इस पर हम एक विकर्ण ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, इस पे हमें ड्रॉ करना है एक विकर्ण। तो ये रहा हमारा विकर्ण। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, एक वर्ग और इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। मतलब इस विकर्ण पर हमने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया है। समझ रहे हो बात को, ये हमारा एक वर्ग था, वर्ग का जो विकर्ण था उस पे हमने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया है। समझ रहे हो बात को, और हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं इसकी भुजा जो है ए है। अगर इस वाले वर्ग की भुजा ए है तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, √2a होगा। अब इसका विकर्ण अगर √2 है तो इस हिसाब से जो दूसरा वाला हमारा वर्ग है, ये जो विकर्ण पे बना है, इसकी हर एक भुजा हमारी क्या होगी, √2a होगी। यही होगा ना। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा भाई, ये हमारा मान लो पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा क्या है, √2a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। चलो, तो ये तो a इंटू ए है, और ये वाला क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, या कह लो a इंटू ए। इससे ये कट गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, a1:2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, ना कुछ ड्रॉ करने वाला था, लेकिन बात को समझाना था कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा। अब करते हैं अपने 7th क्वेश्चन को, जो कि है द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 40,000 स्क्वायर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द इनक्लोजर एट द रेट 2 पर मीटर। समझ रहे हैं, एक वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल जो है 40,000 वर्ग मीटर है, ₹2 प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च बताइए। घेरा डालने का मतलब, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, घेरा डालने का मतलब हमें चारों तरफ क्या बनानी है, बाउंड्री बनवानी है। ठीक है, तो इसका खर्च हमें बताना है। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल जो है ऑलरेडी इन्होंने हमको देख कर रखा है 40,000 मीटर स्क्वायर, ये देख के रखा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है ₹2 प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुछ कुल खर्च बताना है। ठीक है, ₹2, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, परिमाप चाहिए होगा ना। ठीक, क्योंकि ये परिमाप पे ही तो हमारा घेरा पड़ेगा, इस एरिया पे थोड़ी ना घेरा पड़ेगा, हमें तो परिमाप पे घेरा डालना है। तो हमें परिमाप कैसे निकलेगा, जब हमें भुजा पता होगी। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर जो होता है, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर हमारा अंडर रूट चढ़ गया, और इसका 40,000 जो हमारा दिया गया है, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 ये मीटर है ना, तो मीटर आ जाएगा। मतलब भुजा हमारी पता चली गई। अब भुजा हमें पता चल गई है, अब हम परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, परिमाप निकाल लेते हैं। तो हमारा परिमाप जो है वो क्या निकलेगा, 4 × 200, 4 × भुजा होता है मतलब 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 मीटर हो जाएगा।
इन्होंने कहा 1 मीटर में खर्च हमारा कितने का आ रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, 2 रुपए का खर्च आ रहा है और हमारे पास मीटर कितने हैं, 800। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 800 मीटर का खर्च कितने का हो जाएगा, तो 2 8 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 1600 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं रुपए, ठीक है, 1600 रुपए। मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस सॉल्व ही करना है, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप की ये बात कर रहे हैं, परिमाप की बात इनडायरेक्टली की है, इन्होंने खुलकर तो नहीं बोला है कि परिमाप बताओ, लेकिन हमको पता है भाई घेरा डालने का मतलब बाउंड्री कराना, बाउंड्री कराने का मतलब हम परिमाप पे चल रहे हैं, और परिमाप तो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास भुजा होगी। तो क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाल दी, भुजा से हमने परिमाप निकाल दिया, भाई 1 मीटर का हमें रुपया बताया, तो हम परिमाप के हिसाब से जितना हमारा परिमाप बन गया उतने ही मीटर में हम खर्चा निकाल देंगे। बस, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपको बता देते हैं यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पे कितने कराने वाले हैं, कुल हमारे 88 क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज तो हमारी पहली क्लास थी जिसको हमने देखा। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट।